देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय आयातकों की कमजोर मांग से बरबा में उड़द के साथ ही अरहड़ की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे घरेलू बाजार में भी कीमतों पर दबाव देखा गया है। घरेलू मंडियों में उड़द की कीमतों में 50 से 75 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई, जबकि अरहड़ के दाम लगभग स्थिर बने रहे। व्यापारियों के अनुसार बर्मा में उड़द के साथ ही अरहड़ का उत्पादन अनुमान ज्यादा है, जबकि भारतीय आयातक सीमित मात्रा में ही आयात के सौदे कर रहे हैं। ऐसे में बर्मा के स्थानीय बाजार में अरहड़ और उड़द की कीमतों में और भी 20 से 30 डॉलर प्रति टन की गिरावट आने का अनुमान है। बर्मा में उड़द FAQ के भाव 10 डॉलर घटकर 795 डॉलर और SQ के भाव 15 डॉलर घटकर 885 डॉलर प्रति टन रह गए। इसी तरह से बर्मा में लेमन उड़द के भाव में 5 डॉलर की नरमी आकर भाव 795 डॉलर प्रति टन रह गए। बर्मा में इस साल उड़द का उत्पादन बढ़कर 6.75 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बकाया को मिलाकर कुल उपलब्धता 6.80 लाख टन की बैठेगी। बर्मा की ट्रेड एसोसिएशन ने भारत सरकार से आयात कोटा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए केंद्र सरकार आयात कोटे को अभी नहीं बढ़ाएगी। मालूम हो कि भारत ने म्यांमार से 5 वर्षीय MOU साइन किया हुआ है, जिसके तहत सालाना 2.5 लाख टन उड़द का आयात किया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में हल्की क्वालिटी की उड़द की आवक बनी हुई है, तथा जल्द ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मंडियों में उड़द की नई आवक शुरू होने की संभावना है। बर्मा में भी अरहड़ का उत्पादन 2.5 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बकाया 10,000 टन को मिलाकर कुल उपलब्धता 2.60 लाख टन की बैठेगी। घरेलू मंडियों में आगे अरहड़ की नई फसल की आवक बढ़ेगी, जबकि अफ्रीकी देशों से भी अरहड़ का आयात अभी बराबर बना रहेगा, इसलिए भारतीय आयातकों की मांग अभी बर्मा से कमजोर ही रहेगी। दाल मिलों की हाजिर मांग कमजोर होने से दिल्ली में बर्मा उड़द FAQ में 75 रुपए की गिरावट आकर भाव 6525 रुपए और SQ की कीमतों में 75 रुपए की गिरावट आकर भाव 7025 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। मुंबई में बर्मा उड़द FAQ नई में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 6500 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। वहीं पुरानी की कीमतों में भी 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में FAQ उड़द के भाव 50 रुपए की गिरावट के साथ 6150 रुपए और SQ उड़द के भाव चेन्नई में 50 रुपए की गिरावट के साथ 6650 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चने की कीमतों में 25 रुपए की तेजी आकर राजस्थानी चने के भाव 5225 से 5250 रुपए तथा मध्य प्रदेश के चने के भाव 5150 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।